क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल वायर है, मोटी थिक वायर है, मोटी वायर है, खाली नहीं है, भरी हुई है, ये रही। आपको इस वायर का, सिलिंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है सिर्फ सर्कल। इस वायर के अंदर करंट जा रहा है आई, और करंट डेंसिटी इसकी जे है। करंट डेंसिटी होती है करंट अपॉन एरिया, तो करंट अपॉन एरिया गिवन है जे। ठीक है, क्वेश्चन है मैंने इसमें से एक कैविटी बना ली, कैविटी एक होल कर दिया, पूरा होल कर दिया, मटेरियल निकाल के बाहर फेंक दिया ताकि उसमें करंट बाहर ना जाए, तो ये इसकी कैविटी है। तो ये एक पूरी कैविटी कर दी, पूरा होल कर दिया सिलेंड्रिकल वायर में से। आपको ये प्रूव करना है जो बचा हुआ करंट है वो इस कैविटी के अंदर हर पॉइंट पर बी लगाएगा, और वो बी की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम आएगी और कांस्टेंट होएगी, चेंज नहीं होएगी, जहां मर्जी निकाल लो बी कांस्टेंट होगा। कितने लोगों को याद आ रहा है कि मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, किया हुआ है, और कौन सा क्वेश्चन किया है? सॉलिड स्फेयर, डिस्क नहीं किया, सॉलिड स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फेयर था रो, में से एक कैविटी निकाली थी और प्रूव किया था उस कैविटी के अंदर ई की वैल्यू कांस्टेंट थी। चाहो तो फॉर्मूला बुकलेट के अंदर चेक कर लो, आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो जिन्होंने फॉर्मूला मेंटेन किए हुए हैं चेक करो, फॉर्मूला लिखा हुआ पक्का रो की फॉर्म में। ठीक, बट सेम चीज़ है, अभी भी सेम कर रहे हैं। तो पहली चीज़, लॉजिक लगेगा क्या इसमें? हम मान लो ये करंट कैरिंग वायर लेके आते हैं जिसकी करंट डेंसिटी जे है, ये कैविटी कर देते हैं, कैविटी के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं पी। मैं ये चाहता हूं कि मैं पी पॉइंट पर बी की वैल्यू निकालूं, किसकी वजह से? बचे हुए करंट की वजह से मैं बी की वैल्यू निकालूं। अब रूल क्या है, कैसे करते हैं ये क्वेश्चन? ऐसे करते हैं कि पहले मान लो कैविटी है ही नहीं, मान लो करंट ही करंट है पूरी वायर में, ये पूरी वायर इस पी पॉइंट पर कुछ बी लगाएगी, ये पूरी की पूरी वायर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी लगाएगी, फिर मैं कैविटी कर दूंगा। अब मैं इमेजिन करूंगा कि यहां करंट नहीं है, सिर्फ कैविटी में ही करंट है, कैविटी वाली वायर पी पॉइंट पर भी बी लगाएगी। जैसे मैं न्यूमेरिकली समझाता हूं, मान लो यहां कैविटी नहीं थी और पूरी की पूरी वायर में करंट था और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला था पूरी वायर की वजह से, और कैविटी कैविटी के करंट की वजह से पी पॉइंट पर 2 टेस्ला था। अगर तुम कैविटी का सामान निकाल के फेंक दो तो बचा हुआ फील्ड क्या आएगा? 10 में से 2 गया 8, क्योंकि कैविटी लगाना तो बंद कर देगी, तो 2 का इफेक्ट खत्म हो गया, तो बचा क्या? 8। तो मैं यही करने वाला हूं, मैं पहले पूरे वायर के अंदर करंट लूंगा और यहां पर बी निकालूंगा, फिर मैं सिर्फ कैविटी लूंगा, फिर मैं बी निकालूंगा, और दोनों बी को क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। पर उसके पहले मुझे सीखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास इस वायर में करंट ही करंट है तो आर डिस्टेंस दूर यहां पर बी की वैल्यू होगी क्या? तो जहां आपको बी निकालना है एक वायर के अंदर, वहां क्या लेंगे? क्लोज्ड पाथ। उस क्लोज पाथ में बी इंटू 2πr एम्पियर सर्किट लॉ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट इसमें जा रहा है, ये कैलकुलेट कर ले। अब कितना करंट इसमें जा रहा है? करंट डेंसिटी आपको जे गिवन है, करंट डेंसिटी होती क्या? करंट बाय एरिया को इतने एरिया पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट आ गया। तो मैंने इसमें क्या किया, बी इंटू 2πr लिया, तो बी इंटू 2πr इज म्यू नॉट टाइम्स इतने पोर्शन का करंट कर दिया, यहां से सॉल्व करके बी की वैल्यू आ गई। तो तुम एक काम करो, सबसे पहला रूल इसके अंदर, सबसे पहले आप फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करो, उसमें ये डायग्राम बनाओ, आर डिस्टेंस पे बी का फॉर्मूला नोट करो और साथ में ये डायग्राम बनाओ और लिख देना। ये डायग्राम में ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, डायग्राम में ये सिलेंड्रिकल वायर है और ये करंट डेंसिटी जे है, और यहाँ पे आप बी निकालना चाहते हैं, बी का फॉर्मूला ये रहा। और वेक्टर फॉर्म में सुन ले, वेक्टर फॉर्म में जे इज अ वेक्टर, आर इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, तो जे क्रॉस आर, ये दोनों फॉर्मूलाज को नोट करें। किसी भी सिलेंड्रिकल वायर के अंदर बी का ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला नोट करें, बी का फॉर्मूला क्या होगा एक सिलेंड्रिकल वायर के अंदर आर डिस्टेंस पे। तो सीधा शॉर्टकट मारेंगे ना, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आ जाए कि मार्क करो क्या बी का फॉर्मूला, कम से कम ये तो कर लोगे। हाँ, ये क्रॉस सेक्शन है वायर का, सिलेंड्रिकल वायर ऐसी है, बोर्ड के अंदर जा रही है, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, बस क्रॉस सेक्शन।
ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल वायर का क्या है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है। दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हैं, स्केलर में भी और वेक्टर में भी। अब इस फॉर्मूले को लगाना कैसे है इसको देख लो। अब इमेजिन करो आपके पास कोई कैविटी नहीं है, आपके पास पूरी वायर के अंदर करंट ही करंट है, ये सेंटर है वायर का। आप पी पॉइंट पर बी निकालना चाहते हैं, पी पॉइंट की दूरी कितनी है, आर वन वैक्टर। लगाओ फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई टू जे वैक्टर क्रॉस आर वन वैक्टर, डन। सीधा फॉर्मूला आर वन वैक्टर अभी किया हमने। अब इमेजिन करो पूरी वायर में करंट नहीं है, सिर्फ कैविटी में करंट है, कैविटी के अंदर करंट है और पी पॉइंट पर कैविटी की वजह से बी निकालना चाहती हो, तो ये दूरी कितनी है सेंटर से, आर टू वेक्टर। तो ये आर टू वेक्टर, और दोनों बी को क्या कर दें, माइनस। जब माइनस करेंगे कॉमन निकालेंगे तो ये टर्म आएगी, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल लॉ लगाएं, आर वन वेक्टर, ये आर वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर इज आर वन वेक्टर इज रिजल्टेंट। तो आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। फिर आर वेक्टर इज डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, दोनों कैविटी और इसके सेंटर के बीच में दूरी कितनी है, आर वेक्टर। तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया, आर वेक्टर। तो ये आपको प्रूफ नहीं करना, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लें, कोई ना पूछेगा प्रूफ। शॉर्टकट फॉर्मूला लिखें, ये बनाए डायग्राम, ये बनाए कैविटी, ये बनाए सेंटर सी वन और ये बनाए सेंटर सी टू, और इनके बीच में दूरी कितनी है, आर वेक्टर, और यहाँ बनाए करंट। तो अगर आपके पास एक कैविटी वाली वायर है, कैविटी वायर वाली वायर के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको बी निकालना है, जैसे पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है, तो ये फॉर्मूला नोट करें, ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होगा कैविटी वाली वायर का। तो मैंने सिलेंड्रिकल वायर के अंदर भी बी निकालना सिखा दिया, कैविटी वाली वायर का भी बी निकालना सिखा दिया। तो सीधा शॉर्टकट लगाएंगे ऑब्जेक्टिव में, इतना टाइम ही नहीं है हमारा सॉल्व करने का, सीधा शॉर्टकट सीधा आंसर मार्क करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि इस फाइनल फॉर्मूला कैविटी वाली वायर में किस पे डिपेंड करता है, बी, दोनों के सेंटर के बीच में दूरी। तो तुम चाहे पी पॉइंट यहां लो जहां मर्जी लो, दो सेंटर के बीच में दूरी तो चेंज नहीं हो रही, तो बी की वैल्यू हर वक्त क्या रहेगी, अंदर कॉन्स्टेंट ही रहेगी। ये आंसर है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक।